उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर में आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो रहा है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ से पहले शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों ने आकर्षक झांकियों से लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें, राष्ट्रीय शिल्प मेले की शोभा यात्रा में करीब 20 प्रदेशों के लोग और जनजाति कलाकारों ने हिस्सा लिया और शाम 5 बजे मेले का आगाज हो जाएगा। आज सुबह रैली निकली है, देखा था, क्या कहेंगे इसको लेके? आज जो ये कलाकार आए हैं जो प्रयागराज में, पहले तो ये बता रहे कि प्रयागराज जो है वो सांस्कृतिक रूप से और संस्कार के तौर पे बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा है हमेशा से, इसकी बड़ी गौरवशाली गाथा रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अथक प्रयास है कि हमारा भारत जब तक सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी देश जब अपनी संस्कृति से मजबूत है तब वो बहुत ग्रो करता है। और ये बहुत प्रयास का फल दिख रहा है कि जैसे ही अब समय चेंज होने लगा है, राम राज के आने का लोग सपना देखने लगे हैं और राम मंदिर की शिला रख दी गई है, काशी बहुत बड़ा बना दिया गया है और प्रयागराज भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमारी सांस्कृतिक और संस्कार की जो विरासत है वो बहुत रिच है, वो बहुत समृद्ध है। तो आज यहाँ प्रयागराज में विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में जो कला जो शिल्प मेला आयोजित हो रहा है 10 दिनों का, उसमें पूरे भारत से विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं अपनी संस्कृति को यहाँ दिखाने के लिए, अपनी कला को यहाँ शेयर करने के लिए। तो आज हमने व्यापार मंडल की ओर से, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से, मैं महानगर अध्यक्ष होते हुए उन सभी का स्वागत कर रही हूँ और मेरा ये संदेश है कि कला और व्यापार दोनों बहुत गहन साधना का विषय है। यदि आप साधना नहीं करते हैं, यदि आप पूरा एफर्ट नहीं देते हैं, पूरी मेहनत नहीं देते हैं, तो ना ही आपकी कला परवान चढ़ सकती है और ना ही आपका व्यापार परवान चढ़ सकता है। तो स्वाति मिर्थी, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। निकाली जा रही है कलाकारों की, तो क्या कार्यक्रम है और कितने कलाकार यहाँ पर आते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये शोभा यात्रा हमारे अनेक प्रदेशों के जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको लेकर के शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है, ताकि इस जो हमारा आज का कार्यक्रम है, आज से जो शुभारंभ हो रहा है हस्तशिल्प मेले का, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उसका शुभारंभ दिवस है, ये हमारे शहर के लोग इस भव्यता को, इस समारोह की भव्यता को जान सके, पहचान सके, इसलिए ये हमारी शोभा यात्रा निकाली और आज शाम 5 बजे NCZCC के परिसर में हमारे इस 12 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय अवस्थी जी इसकी आज की प्रमुख जो है हमारे कहा जाए कलाकार हैं, उसके साथ ही 20 प्रदेशों के हमारे लोक कलाकार, जनजातीय कलाकार इस में शिरकत कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि माननीय अवस्थी जी हैं हमारे इंडियन आइडल के, हमारे जो सिंगर हैं वो हैं, और उसके साथ साथ हम अगर ये बात कहें कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के बैले, जो बैले है उसको भी हमने आमंत्रित किया है, और मणिपुर, उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारे जो कलाकार हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, 21 से प्रदेशों से यहाँ पे लोक और जनजातीय कलाकार आमंत्रित। ये 12 दिन का है, 1 तारीख से लेकर के 12 दिसंबर तक की है, सुबह 11 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें प्रवेश शुल्क बहुत ही निम्न, यानी कि 10 रुपये का प्रवेश शुल्क रखा गया है ताकि इसका एक डिसिप्लिन बना रहे। मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश शर्मा है, मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक।